कह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने जा रहे हैं चाइना कुछ नहीं कर पाएगा चाइना का हाल जापान वाला होगा अब तो उनको जाना है टाइम आ गया उनका क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पर बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है सुनता ही नहीं किसी की दैट अप्रिशिएबल पार्ट ऑफ मिनिस्टर ही हुआ था स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी उस आदमी ने और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा बाकी तो मैं नहीं जानता एनी स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलम से पीछे कर लिया क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लीगैलिटी अब उन्हें साठ साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या बदतमीज मतलब होता क्या है अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर सज्जन थे पढ़े लिखे थे मनमोहन सिंह नो नो प्लीज वी कैन डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ अब वो दूसरा आदमी वो दो भाई हैं राहु और केतु वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई या रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं हां कर दे <laughs> वो सोचते नहीं ब्रो कौन मतलब ही नहीं बस वो रात में 8:00 बजे अंकल आ जाएगा कि बस नोट बंदी कल से लागू 12:00 बजे से परेशान है पूरी पब्लिक देश की लाइन में खड़ी मर रही गाना गा रही चिल्ला रही है नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट कम इन टू पावर हां ठीक फिर दिन चार महीना बीता देखा यार देश में बड़ी शांति यार कुछ हो नहीं रहा बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक फिनिश कानून पारू करो हाँ लोकसभा में बिल आई दो बजे राज्यसभा पहुंची उसी दिन पास हो गई पूरा पार्लियामेंट परेशान बिल पास हो गई हाँ बोले पास हो गई अकबर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हाउ कैन दिस हैपन ओ जयशंकर प्रसाद ने कहा दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड यू सिट डाउन इगा सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया उसने कहा राम टेंपल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन योर जर्मन से फर्स्ट ऐसे तो ये जजमेंट लेते हैं किसी दिन देखना रात में जजमेंट ले लेंगे चार मिसाइल मार देंगे कराची पे ऐसे देखना रात में सुबह उठोगे ना देखोगे इंडिया पाक वॉर शुरू हो चुका है ये चले ये नहीं मानेंगे ये मानेंगे नहीं इनसे को मतलब ही नहीं और ये बहुत सही कर रहा है